आज दिल्ली मेट्रो दुनिया के उस 7% प्रतिष्ठित मेट्रो नेटवर्क की श्रेणी में शामिल होने जा रही है जहां बगैर ड्राइवर के ट्रेनें संचालित हो रही हैं। अब ट्रेन ड्राइवर को जल्द सुबह, देर रात और ऑफ पीक आवर्स में ट्रेनों को डिपो से रोजाना निकालने, ले जाने एवं टेस्टिंग करने वाली एक्टिविटीज से फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेनें ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के सुपरविजन में स्वयं ही सभी सिस्टमों को मात्र 10 मिनट में चेक कर लेंगी और यात्री सेवाओं के लिए रवाना हो जाएंगी। तकनीकी रूप से एडवांस्ड इन ट्रेनों में अब ह्यूमन एरर की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये ट्रेनें पहले से ज्यादा विश्वसनीय, नियमित, सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव कराएंगी और जून 2021 तक 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर भी दौड़ने लगेंगी। आज इन फुल्ली ऑटोमेटेड चालक रहित ट्रेन सेवाओं का दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट से NCMC प्लैग का अनावरण कर देश में पहली बार किसी भी मेट्रो सिस्टम में लागू होने जा रहे इस NCMC आधारित वन नेशन वन कार्ड सेवा का। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। यह दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है।